फोटो शूट कर रहा कि एकदम टाइट हो गए। थोड़ा बैठ जाते हैं। जानते हैं पिछला हफ्ता ना हमारे हस्बैंड हमको दिल्ली घुमाने ले गए थे। नहीं, न्यू दिल्ली घुमाने ले गए थे। इतना लार्ज सिटी है ना साचो, इतना लार्ज सड़क था, उतना में तो हमारा पूरा गांव ही आ जाएगा। 2 डेज के लिए गए थे, अच्छा से घूमो नहीं पाए। हम बोल रहे थे इनसे कि एक दिन और स्टे कर लीजिए, पर ये हमारी सुनते ही नहीं है। अब सुनिए हमारा जर्नी का स्टोरी। हम ना अपने हस्बैंड के साथ मेट्रो से जा रहे थे। मेट्रो में सारी लेडीज हमी को ताक रही थी। ऊपर से लेके नीचे तक हम ज्वेलरी से लदे हुए थे। गुलाबी नहीं, पिंक बॉर्डर की साड़ी पहने थे झार के। हमारा स्टाइल देख के ना सबके कलेजे में आग लग गई थी। सारी लेडीज ना बर्न हो गई थी एकदम। तो सबसे पहले ना हम लोग वो वाली जगह पे गए थे, का नाम है उसका, सीखे थे हम, हाँ कनाट प्लेस पे गए थे। वहाँ जाते ही ना हमको विदेश वाला फीलिंग आ गया। हम भी वहाँ पहुँचते ही अपना गूगल्स निकाल के पहन लिए थे। हाँ हम को ना विदेशी से कम थोड़े हैं, हमारे डार्लिंग भी हम पे बहुत फ्लाइट रहते हैं। ओहो बड़ी हॉटनेस है यहाँ, हमारा तो हेयर स्टाइल भी ख़राब हो जाएगा। आज जानते हैं हमारे हस्बैंड ना हमको एगो पार्लर में भी ले गए थे। अरे वो वाला पार्लर था, ऐसा वैसा पार्लर नहीं था, वो वाला जहाँ जेंट्स लेडीज का बाल काटते हैं। हम तो सोचे कि हमारे हस्बैंड कहीं इनसिक्योर ना हो जाए हमको लेके। और वहाँ पार्लर में ना हमारे खोपड़ी के ऊपर इतना बड़ा बड़ा डब्बा रखती है, हमारे तो हेड में बैठे बैठे अटैक आ गया। माइग्रेशन का प्रॉब्लम है ना, और फेसियल भी कराए थे ससुराल में, हमारे चेहरे का गलो ही ख़त्म हो गया था। और वो वाले पार्क में भी गए थे जहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा सा फ्लैग है, और वहाँ तो सब ओपन में लगा हुआ था। हम तो देख के लजा ही गए थे। हमारे बेबी भी ना हमको देख के एकदम रोमांटिक हो गए थे, हमारा तो बीट हार्ट ही तेज हो गया था। अब फिर हम लोग ना शॉपिंग के लिए गए, वहाँ सब जाके ब्रांडेड कपड़ा खरीदे, एकदम इलाइट क्लास का, एकदम इलाइट क्लास का। और अपने ससुराल में ना हम किसी को नहीं बताए, मतलब सारा सामान तो बढ़ जाता। अभी हमारी ननद ना बम्बई गई थी, हमारे लिए एक रुमाल भी नहीं लाई, वेरी चीप पीपल। आज जैसे तैसे ना ट्रैफिक में फंस के इंडिया गेट पहुँची, वहाँ इतना क्राउड था, आ सारे कैमरा वाले ना हमारा ब्यूटी देख के फ़ोटो खिंचवाने के लिए परेशान हो गए। हम अपने बेबी के साथ बहुत अच्छा फ़ोटो खिंचवाए, वो एक मूवी है टाइटैनिक, उसके जैसा पोज दिए थे। देखे हैं कि नहीं, विदेशी मूवी है। अब घूमते घूमते हम इतना टाइट हो गए ना कि फिर इनसे बोले कि हमको जूस पीना है। हमारा बॉडी ना एकदम एनर्जीहीन जैसा हो गया था। फिर हमको ये जूस पिलाए, नहीं नींबू पानी थोड़े पिलाए, यहाँ की तरह करन बेरी का जूस पिलाए थे। और जूस पिए तब जाके ग्लूकोज आया हमारी बॉडी में। हाँ अब पिज्ज़ा भी खाए थे, उस पर ना पूरा सफ़ेद रंग का मलाई पड़ा हुआ था, इतना टेस्टी था कि पूछिए मत। हमारे ससुराल में तो पापड़ भी आदमी इतना खाता है। और इवनिंग में अपने भैया के जब लारज वाले बैंगलो में पहुँचे ना, तो वहाँ हमारे कमरे में मैड ने सब झाड़ू बाड़ू लगा के मेंटेन कर दिया था एकदम, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब हम भी सोच रहे हैं कि घर जाके एक मैड रखें, हमारा तो 2 दिन में हैबिट ही छूट गया काम करने का। हमारे ससुराल में ना हम ही को मैड बना के रख दिए हैं लोग, हमारे ससुराल में सबसे मॉडर्न हम ही हैं। ये सब कुछ देखे थोड़े हैं, देहाती हैं, कोई लाइफस्टाइल पता ही नहीं है, हम ही सबसे एडवांस हैं अपने ससुराल में। दिल्ली जाके ना हमारा तो सारा ड्रीम ही फिलफुल हो गया। हाँ खैर छोड़िए, हमारा स्टोरी आपको अच्छा लगा हो ना तो वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ न्यू दिल्ली ज़रूर जाइएगा घूमने।